खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, ये वीर है देश जवानों का। और देखिए, ये जो कल तस्वीरें आई थी उसने पूरे देश के चेहरों पर खुशी ला दी। हर भारतवासी के चेहरे पर कल खुशी थी। फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, अभिनंदन से जुड़ी हर जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उस वक्त की जब वतन लौटे अभिनंदन। ये देखिए, ये पाकिस्तानी जवानों के साथ अभिनंदन जब भारत की तरफ आ रहे थे उस वक्त की हैं। और पूरे देश एक टकटकी लगाकर इस तस्वीर को देख रहा था और सीना चौड़ा करके अभिनंदन पाकिस्तानियों के बीच में है, ये एहसास तक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वीर जवान है हमारे देश के। किसी चीज का कोई खौफ, कोई डर अभिनंदन के चेहरे पर नहीं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब अभिनंदन भारत लौटे और जब पाकिस्तान के जवान उनको अंदर छोड़ने के लिए आए और उन्हें बीएसएफ के जवानों ने लिया, देखिए 60 घंटे तक पाकिस्तान में रहे हैं अभिनंदन विंग कमांडर। रात को 9:22 पर भारत की सीमा में पहुंचे अभिनंदन और वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौंपा। F-16 विमान को मार गिराने के दौरान POK में पहुंच गए थे अभिनंदन। और जब POK में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा, मैं पाकिस्तान में हूं या मैं फिर भारत में हूं। जब लोगों ने इसका गोलमोल जवाब दिया तो अभिनंदन ने भारत माता की जय किनारे लगाए। जब कोई जवाब नहीं मिला तो अभिनंदन ये समझ चुके थे कि वो पाकिस्तान में हैं। और अब आपको दिखाते हैं अभिनंदन फटाफट, यानी कि अभिनंदन से जुड़ी हर वो घटना जो आप शायद जानना चाहते होंगे। पाकिस्तान से वापस लौटे वीर अभिनंदन वाघा बॉर्डर के रास्ते रात 9:22 पर भारत की सीमा में दाखिल हुए। कमांडर अभिनंदन करीब 60 घंटे बिताने के बाद पाकिस्तान के कब्जे से रिहा हुए। रात 9:13 पर पाकिस्तानी सेना अभिनंदन को लेकर बॉर्डर की ओर बढ़ी, करीब 9 मिनट खड़े रहे। पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को भारत को लौटते वक्त सुरक्षा घेरे में ले रखा था। पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के बीच खड़े अभिनंदन जिस तरह सीना ताने खड़े थे, उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो दुश्मन देश के सैनिकों के बीच खड़े हैं। जिस वक्त अभिनंदन पाकिस्तानी चैनल्स के कैमरे पर दिखे उस वक्त पाकिस्तानी घड़ी के मुताबिक रात के 8:42 हो रहे थे। करीब 132 कदम चलकर अभिनंदन भारत की सीमा में दाखिल हुए। भारतीय अफसरों ने उन्हें रिसीव किया। पाकिस्तानी सेना के एक जवान ने अभिनंदन की रिलीज से संबंधित कागज भारतीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों को सौंपे। अभिनंदन को बॉर्डर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने उठाई और वो उनको बॉर्डर तक छोड़ने आए। अभिनंदन के साथ बॉर्डर पार करते वक्त पाकिस्तान की महिला अधिकारी भी साथ दिखाई दी। भारत ने दिखाए कड़े तेवर, अभिनंदन को छोड़ने आए पाकिस्तानी जवान से नहीं मिलाया भारतीय अधिकारियों ने हाथ। सूत्रों के मुताबिक अभिनंदन को वापस आने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कराया गया जिसकी वजह से उन्हें वापस आने में देरी हुई। अभिनंदन का वीडियो बनाने की वजह से उन्हें भारत आने में 3 घंटे की देरी हुई। अभिनंदन का एडिटेड वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया है और इस वीडियो में करीब 40 कट लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी PM इमरान खान अभिनंदन की रिहाई पर नजर रखने के लिए खुद लाहौर में मौजूद थे। भारत पहुंचते ही अभिनंदन ने पहला शब्द कहा, देश लौटकर खुश हूं। भारत पहुंचते ही अभिनंदन का वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। जब अभिनंदन ने पाकिस्तान से भारत की धरती पर कदम रखा तो भारत माता की जय किनारों से उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने अभिनंदन को जैसे ही कब्जे में लिया उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। जिस वक्त हमारे वीर अभिनंदन वतन वापसी कर रहे थे उस वक्त उन्होंने सफेद शर्ट नीले रंग का कोट पहना हुआ था। अभिनंदन ने देश लौटकर सिर्फ ये कहा कि देश लौटना सुखद है। पाकिस्तान से कल रात अभिनंदन के लौटने के बाद उन्हें दिल्ली में ही रखा गया है। अपने घर चेन्नई नहीं लौटे हैं अभी तक विंग कमांडर अभिनंदन। पाकिस्तानी PM इमरान खान ने 28 फरवरी को पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया था। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर वायुसेना ने बयान देते हुए कहा था कि हम उन्हें वापस पाकर खुश हैं। वायुसेना ने कहा था कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर को जिनेवा संधि की वजह से रिहा किया। अभिनंदन के पिता ने देशभर में अभिनंदन की रिहाई के लिए हो रही प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया कहा। अभिनंदन के पिता ने उन्हें सच्चा सिपाही बताते हुए कहा था कि आपने देखा उसने कैसे बहादुरी से बात की थी। अभिनंदन के पिता S. वर्तमान भी वायुसेना में एयर मार्शल रहे हैं। उन्होंने करगिल युद्ध के समय अपनी सर्विस दी थी।
अभिनंदन को लेने के लिए चेन्नई से आ रहे उनके माता पिता का लोगों ने फ्लाइट में ताली बजाकर स्वागत किया। अभिनंदन को वापस छुड़ाने के लिए भारत ने बड़ी कूटनीतिक प्लानिंग की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी पर बनाया था दबाव। सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान को समझाया था कि अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत को शांत करना मुश्किल हो जाएगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमान MiG-21 को गिरा दिया था। कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के जिस F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था वो उनके विमान MiG-21 की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर और आधुनिक था। अभिनंदन विमान क्रैश होने के बाद पैराशूट से पाकिस्तान की जमीन पर उतरे थे, जहां पर उनको अंदाजा नहीं था कि वो भारत में है या फिर पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सीमा में पहुंचकर अभिनंदन ने वहां भारत माता की जय के नारे लगाए थे। जब अभिनंदन को पता लगा कि वो पाकिस्तान में है तो उन्होंने पास के तालाब में पहुंचकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पानी में बहा दिया था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए ब्रिंग बैक कमांडर अभिनंदन नाम से अभियान चलाया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वेलकम होम विंग कमांडर अभिनंदन, देश को आपके अनुकरणीय साहस पर गर्व है। हमारी सेना 130 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा है। वंदे मातरम। अभिनंदन के वतन वापस आने पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, भारत का वंदन, घर आया अभिनंदन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनंदन की वापसी पर ट्वीट करते हुए कहा कि अभिनंदन का घर में स्वागत है, आपकी कर्तव्य निष्ठा, साहस और वीरता पर भारत को गर्व है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट कर लिखा है कि अभिनंदन, आप पर गर्व है, पूरा देश आपकी वीरता और धैर्य की सराहना कर रहा है। आपने विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांत बनाए रखा, आप हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। भारत ने अभिनंदन के आने के कारण कल वाघा बॉर्डर पर हर शाम को होने वाली बिटिंग रिट्रीट को BSF ने रद्द कर दिया था। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि अभिनंदन, आपकी गरिमा, संतुलन, बहादुरी ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। इंडिया गेट पर कमांडर अभिनंदन की रिहाई का लोगों ने जश्न मनाया। बच्चों ने सारे जहां से अच्छा देशभक्ति गीत गाकर खुशी जताई। अभिनंदन के पहले 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय पायलट नचिकेता का फाइटर प्लेन बंद हो गया था, जो कि पाकिस्तान में गिर गया था। उस दौरान नचिकेता को 8 दिन में रिहा किया गया था। अभिनंदन 21 फरवरी को ही अपने दोस्त शहीद विंग कमांडर साहिल गांधी को कंधा देने हरियाणा के हिसार पहुंचे थे। साहिल बेंगलुरु में हुए एयर शो हादसे के दौरान शहीद हो गए थे। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में 70 देशों के लोगों ने भारत के वीर लाल अभिनंदन का हार्दिक स्वागत के नारे लगाए। जम्मू में विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर लोगों ने जश्न मनाया। यूपी के प्रयागराज में अभिनंदन की रिहाई पर लोगों ने होली खेलकर जश्न मनाया।